कभी किसी के लिए 3 घंटा वेट किया है? और क्या, बहुत किया। अरे यार, अरे क्या यार, बात। वेट करने में गर्लफ्रेंड से एक बार झगड़ा हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। मैं वेट करने बहुत जानता था। एंड आप लोगों को बता दूं, मैं एक दिन के ट्रिप के लिए आया हूं, तो मैंने इसीलिए कोई होटल वोटल नहीं लिया। तो मैंने जो चेंज किया, यहां का एक बाथरूम था उसके अंदर कपड़ा चेंज कर लिया है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो अभी जस्ट हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं, जो यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी हमको बस लेके जाती है। ये कैमरा में एक्स्ट्रा माइक नहीं है, तो मैं इसके इंटरनल माइक से शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आने वाली, कैसी नहीं। ऐसे आप ट्रेन से निकलोगे तो स्टेशन के बाहर ही बस खड़ी होती है स्टैचू ऑफ यूनिटी लेके जाने के लिए। वो फ्री बस होती है, आपके टिकट में वो इंक्लूडेड होता है, तो आप लोग वो बस में बैठ के स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हो। एक्चुअली हमारा जो टाइमिंग है वो 12 बजे का है, मतलब 10 से 12 का स्लॉट है हमारा। तो हमारा ऑलरेडी 11:30 बज चुका है, हमारे पास आधा घंटा ही है। तो वहाँ पे बस थी नहीं, तो हम लोग सोचा ऑटो से निकल जाते हैं। तो ऑटो से निकले, 20-20 रुपया लिया, बट उसने भी वही किया, ऑटो वाले ने आके बस स्टैंड पे छोड़ दिया। तो यहाँ से बस लेके भी यूनिटी जाना पड़ेगा, मतलब घूम फिर के वही चीज़ पे आ गए। आगे बैठना, आगे उतर के फटाफट भाग जाएंगे। अच्छा, डोंट सीट है। अच्छा, दो पे एक ही जन बैठ सकते हैं? हाँ, तो फिर इधर ही बैठूंगा मैं। अरे मामा, तो दिक्कत हो गया। आगे बढ़ जाओ, पीछे जाओ। इसको बोलते दो गज की दूरी, दो सीट पे एक ही जन। मामा, तो है बहुत भाई। बस तीन ही लोग को लेके जा रहे हैं अपने ही है भाई। देखा, हम लोग के लिए पूरी बस बुक, सब वीआईपी है, वीआईपी लोग हैं हम लोग। अभी मेन अपने पास अपना मुद्दा है कि 12 से पहले अपने को अंदर घुसना है, आधा घंटा ही बाकी। ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेकिन पहले यार चलो अंदर, अपना टाइमिंग बहुत कम है अपने पास। अंदर घुस जाए फिर अंदर अच्छे से वीडियो बनाए। तो अभी एक पंगा हो गया था हमारे साथ में, मतलब अगर आप कभी भी स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हो तो ज़्यादा बड़ा बैग कैरी नहीं करना। मतलब छोटा पर्स होता है वो कैरी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा बैग कैरी नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपको रिटर्न जाना पड़ेगा उसके लिए, एंड ट्रक के आना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए ध्यान देना। नाउ फाइनली अभी हम लोग तो घुस तो चुके हैं अंदर, और हमारा 12 बजे का टाइमिंग अभी भी 10 मिनट बाकी है। अभी हम लोग को जाना है विविंग गैलरी में। बहुत मजबूत वाली गर्दी थी, इतनी गर्दी थी ना, मेरे को लग रहा है मे बी संडे की वजह से हो सकता है गर्दी ज़्यादा थी, लेकिन ठीक है। और अगर आप लोगों को चलना नहीं है तो आप लोग ये स्टेयर्स भी ले सकते हो, तो आप लोग इस पे जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से चल के जा सकते हो। सो ये है म्यूज़ियम, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। गर्दी काफ़ी ज़्यादा बिकॉज संडे इसलिए। एंड इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो स्टैचू है कैसे बना, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, ये दो पिल्लरों पे बना है खाली स्टैचू, ऊपर से पूरा फ्रेमिंग किया गया है मेटल का। सो अभी देखो यहाँ पे डिटेल में बताया कि कैसे कैसे बना है, स्टार्टिंग में कैसा था, बनने के बाद कैसा हुआ। तो जैसे कि वो बता रहा था कि ये जो मेटल है इसमें काफ़ी सारी, मतलब जैसे खेती वाली चीज़ें का मेटल इन लोगों ने यूज़ किया है। जैसे कि आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें हर एक चीज़ है, कुल्हाड़ी है। YouTube चैनल से? नहीं सर, YouTube चैनल से। YouTube चैनल? हाँ, ब्लॉग। सो इसमें सारी वही चीज़ें डाली गई है, जैसे कि मतलब गुजरात में हर जगह से इन लोगों ने मेटल जमा किया था। एक छोटे छोटे चीज़ें, मतलब होती है ना आरी काटने वाली, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, इन सब चीज़ों को इन लोगों ने मिला के मेटल बना के इन लोगों ने पूरा स्टैचू का फ्रेम बनाया हुआ है। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जहाँ तक मैंने सुना है ये स्टैचू के बारे में, कि काफ़ी किलोमीटर की स्पीड से हवा आती होगी तो ये इसको हिला भी नहीं सकती है, इतना मजबूत है स्टैचू। खाली दो पिलरों पे खड़ा है, लेकिन फिर भी इसको इतना मजबूत बनाया गया है। साला विविंग गैलरी के लिए इतनी गर्दी है कि मैंने उन लोगों को खड़ा किया लाइन में, तब तक मैं म्यूजियम एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ। छोटा सा बनाया है, थिएटर है यार, देखे क्या अंदर जाके, क्या अंदर सब लोग देख रहे, देखो जरा मैं भी। ओके, तो ये है थिएटर, मतलब इसमें सरदार सरोवर डैम के बारे में एकदम डिटेलिंग में बताया गया है कि कब बना, कैसे बना। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है देखने में तो आप लोग ये थिएटर में बैठ के देख सकते हो। करके रखा गया है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में, सरदार सरोवर डैम बोलो, स्टैचू के बारे में बोलो, काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया। क्या लगता है आप लोग को, ये बुक है? नहीं, ये बुक नहीं है, जस्ट एक ये वॉलपेपर है। सोचो कितना अच्छा यूनिक बनाया हुआ है। आई लाइक इट, नाइस।
तो ये बगल में है एक और एक थिएटर, इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो उसके बारे में पिक्चर चल रही है, अगर आप लोग को उसके बारे में भी जानना है तो आप लोग इसके अंदर बैठ के देख सकते हैं। आप लोग को अंदर से एक व्यू दिखा देता हूँ मैं। ब्रो ब्रो है ना, ब्रदर अभी यूट्यूब पे हो? क्या नाम है? बॉम्बे पर रुपेश। उसने करते हुए जाना। थैंक यू ब्रो। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुका हूँ मैं इस म्यूजियम का, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। अब चलता हूँ मैं अपनी लाइन की तरफ जहाँ पे मेरे दोस्त लोगों ने लाइन लगाया है, पता चला और लाइन से भी निकाल देंगे तो व्यूइंग गैलरी आज मैं कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद उस स्टैचू के पैर के पास जाना है। ये 380 वाली लाइन है? नहीं, दोनों 380 वाली लाइन है। अगर ₹1000 है आपके पास वो, अगर ₹1000 है तो इधर वीआईपी में आओ, सीधा पहुंच जाओ, लाइन की जरूरत ही नहीं तुम लोग को। अब तक सबसे बड़े थे ये, अब ये 182 मीटर। पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा होगा, धीरे 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 धीरे। चलो तो ये आ गए हम लोग व्यूइंग गैलरी में। हाँ यार, ये देखिए गाइस कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये डिटेल में बताया पूरा अंदर। तो ये है व्यूइंग गैलरी, यहाँ से नीचे देखो। तो ये था व्यू व्यूइंग गैलरी का, जैसे कि आप लोग को मैंने दिखाया नीचे एंड टॉप एंगल का। वो है सामने नर्मदा रिवर। ये कितने फ्लोर पे है? 45 फ्लोर। मैंने बोला था 45, कोई बोला 10th फ्लोर। नहीं नहीं, 45 फ्लोर। 45 है ना, मैं वही बोला। 10th फ्लोर कैसे हो सकता है? 135 मीटर पे है। 135 मीटर्स पे हम लोग एक्चुअली चेस्ट पे खड़े हैं। हाँ, ये उनके चेस्ट एरिया पे हम लोग खड़े हैं। ये ऊपर उनका बटन है जैकेट का, आप दिखा सकते हैं ये जो है ना। अच्छा, ये बटन है जैकेट का, बटन है ऊपर से। अच्छा, ये पूरा मेटल का बना हुआ, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था। जैकेट का बटन कितना बड़ा है, कितना बड़ा जैकेट का बटन वो बताया उसने, तो जैकेट का बटन। और वो बोल रहा था ना, वो 10th फ्लोर पे नहीं, 45 फ्लोर पे। इसका भी कुलदीप नाम है। हाँ, 45 फ्लोर पे इसका भी कुलदीप नाम है। ये भी कुलदीप है, तो दो दो कुलदीप। और दोनों काले शर्ट पहने। हाय गुरु, हाय गुरु। पैसा नु कौन, तू ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, हाय हेलो बोल। तू ओरिजिनल है पक्का, कि दोनों काले शर्ट पहने। कैसा लगा गोलू? अरे आप लोग को थोड़ा मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसको बनाया गया है केवड़िया करके, छोटा सा टाउन था, तो इसको अभी बिल्ड करके यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। इसके साइड में है नर्मदा रिवर एंड यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो इस टाउन को खाली बिल्ड करने में 3000 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, एंड उसमें से खाली स्टैचू के लिए 1350 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इतना रिकवर नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 महीने की, तो अभी तक मे बी 90 या 100 करोड़ तक ही कवर हो पाया है। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता आगे, कैसा नहीं। ये टाउन को भी जिस हिसाब से बिल्ड किया और जो यहाँ के रोड्स हैं, मतलब जो फैसिलिटीज दिया है, आप लोग आएंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोग को स्टैचू ऑफ यूनिटी आना है, तो आप लोग कैसा टिकट बुक कर सकते हो, तो टिकट के लिए आपको डायरेक्टली मैं इसका जो साइट का लिंक है, आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। अगर इनकेस आप लोग को आना है, तो उस साइट पे जाके आप लोग टिकट बुक कर सकते हो। टिकट में आपको 3 ऑप्शन होता है। एक टिकट है 150 रुपीज की, जो कि आप लोग जा सकते हो स्टैचू के पैर तक, जहाँ मतलब बाद में जो हम लोग गए थे। एक टिकट आती है 380 रुपीज की, जो कि आप स्टैचू के चेस्ट तक जा सकते हो, जहाँ पे हम लोग गए थे। एंड एक टिकट आती है 1000 रुपीज की, जो कि आप वीआईपी जैसा एंट्री ले सकते हो।
तक आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा लाइन में, लेकिन जाएंगे आप लोग भी स्टैचू के चेस्ट पे ही, लेकिन आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना। सबसे इंपॉर्टेंट मेन थिंग होता है कि आप लोग टिकट बुक करने से पहले अपना स्लॉट सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन से स्लॉट में जाना है। स्लॉट वाइज होता है आप लोग को 10-12 का ऑप्शन, 4-6 का ऑप्शन, ऐसे 3-4 स्लॉट होते हैं, तो आपको उसके बीच में एंटर करना रहेगा। अगर आप उसके बाद जाएंगे तो आपको शायद नहीं ले। एंड अगर इनकेस कभी आप लोग रात का स्लॉट ले रहे हो 4-6 का, तो उसमें आपको एक और एक एडवांटेज है, आप लोगों को लेजर शो भी देखने मिलेगा, जो कि स्टैचू के ऊपर लेजर फायर करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी बताई जाती है। सो वो भी आप लोग नाइट शो में रहेंगे, तो वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। तो अभी जबरदस्त भूख लगी है, तो मैं जा रहा हूँ खाने, और मैं कल रात से और सुबह में भी नाश्ता नहीं किया, कल रात को भी कुछ खाया नहीं था, और अब भी खा रहा हूँ। सबवे को ऑर्डर दिए थे, सबवे और भी कुछ ऑर्डर दिए पिज्जा का, तो वो भी आता है तो खाएंगे। बहुत जबरदस्त भूख लगी है। सबवे खाने का मजा ही अलग है एकदम। जो ये आप लोग पीछे देख रहे हो चेयर्स लगे हुए हैं, यही रात को यहाँ पे लेजर शो दिखाया जाता है, तो आप लोग बैठ के देख सकते हो अगर रात का स्लॉट आप लोग बुक करते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जू, तो वो आप लोग को अगले वीडियो में देखने मिलेगा। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, उसमें अलग अलग जानवर है काफ़ी सारे, वाइल्ड लाइफ होगा पूरा, तो वो आप लोग को देखना है, तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं, बिकॉज काफ़ी लंबा हो गया है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, एंड चैनल पर भी नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही से डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम। आप लोग को मिलता हो किसी नए फ्रेश वीडियो में। क्या बोलता है, प्लान करना चाहिए ना ड्रीम को? अरे एकदम, डोंट जस्ट ड्रीम, सोचो मत अपना ड्रीम, प्लान करो, प्लान आप लोग उस प्लान के पीछे पड़ जाओ। हाँ, सो आप लोग को मिलता हूँ किसी नए फ्रेश वीडियो में। बाय, तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू माय गुड फ्रेंड्स। बाय। You could be the muse to my passion. We can make love like a night of God.